मेरठ के शताब्दी नगर में 620 एकड़ ज़मीन पर प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की नई नीति के तहत मुआवजा न दिए जाने के विरोध में पिछले कई दिन से धरने पर बैठे किसानों ने आज धरना स्थल पर महापंचायत करने के बाद दिल्ली मेरठ हाईवे जाम करने के इरादे से कूच किया। वहीं किसानों द्वारा जाम लगाने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे हैं। विजयपाल जी कॉन्फ्रेंस समाप्त कराया, आश्वासन के तौर पे क्या कहा, क्या बातें कहा? जैसे कि आप जानते हैं कि उनका कुछ मेरे विकास वगैरह कुछ कुछ जो उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया, ये कहा है कि जो शासन को उनका परीक्षण दिया गया है, नीति आ जाने और सचिव एनडीए आ जाते दे दिया गया और जो भी नियम कानून थे धरना लगभग 5.5 साल से चल रहा था। इस समय काफी लोगों का आना जाना हुआ, लोग आश्वासन भी देते हुए ऐसी क्या पेचीदगियां थी जो बात नहीं पहुंच पा रही या इसका एक सफल परिणाम नहीं आ पा रहा? ऐसा नहीं है, मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की सदनपुरी बस्ती निवासी 20 साल के मोनू के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मोनू की बहन नैना ने गौरव और दो अन्य युवकों पर पीट पीट कर मोनू की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश पर जुट गई है। मेरा नाम नैना है, मेरे भाई का नाम मोनू है और मोनू घर 7 बजे घर पे था। कल एक लड़का आया काकू, उसके साथ में एक लड़का था, उसने जो दूसरा लड़का था उनने मुंह पे काले कलर की चुन्नी बांधी हुई थी, मेरे भाई को वो ले गया। उसके ले जाने के बाद रात को वो मार पीट के काट पीट के घर में डाल के चला गया। उसके बाद वो घर में हमारे लात मारी, तब पड़ोस में मैं सो रही थी तब जाके उठी, हल्ला कल्ला मचा, तब देखा वो मेरा भाई मरा हुआ था। कौन थे आरोपी जो मार घर से? उसका एक काकू नाम का लड़का था और एक जिसने दूसरा था उसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, जो स्कूटी चला रहा था ब्लू कलर की। पहले उन लोगों ने मेरे घर में एंट्री करी, 5,000 रुपये लेके गए, सिलेंडर उठा रहे थे, जब मैंने देख लिया तो मेरा मुंह भींच के माथा फाड़ दिया बुरी तरह। 5 दिन मैं ICU में रही हूँ, 3 दिन मैं जनरल वार्ड में रह के आई हूँ। जी उन्होंने की है, वो घर से खुद बुला के लेके गया मेरे भाई को और उसके बाद फिर वो 2:30 बजे देखा तो मरा हुआ था, उसकी उंगलियां काट रखी थी हाथों की और उसके पैरों की उंगलियां कटी हुई थी। ये एक सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, कंकरखेड़ा में एक युवक है, उसका घर के अंदर जो है मृत हालत में मिला और कहीं कोई चोट के निशान अभी नहीं पाए गए हैं। पंचायतनामा में उनके परिजनों का ये कहना है कि उसके दोस्त रात बुला के ले गए थे और संभवतः वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो उसके बाद मृत हालत में घर में मिला। जिन पर वो आरोप लगाए हैं उनको पकड़ लिया गया है, पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम हेतु बाड़ी भेजा गया है, PM रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपका नाम? अरुण कुमार गोयल, पप्पू मावे वाले। ये दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदूषण न फैलाएं और सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। पाली जिले में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक मारवाड़ जंक्शन के उम्मेद वाटिका पर हाजी मोहम्मद खान पठान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उपस्थित हुए। सभी निवेशकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निवेशकों की जमा राशि पुनः प्राप्त करने हेतु नरेंद्र जोशी एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट हॉल उदयपुर द्वारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लगाई जा रही जनहित याचिका में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। उम्मेद वाटिका हुआ रोड मारवाड़ जंक्शन पर निवेशकों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए सदस्यता फार्म तैयार किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चीफ हैं और जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मारवाड़ जंक्शन संघर्ष समिति की तरफ से भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया? मारवाड़ जंक्शन संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष हाजी मोहम्मद खान जी पठान और सचिव श्री रमा अवतार जी शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री पंकज जी जैन और दूसरे अन्य काफ़ी निवेशक जो उम्मीद वाटिका अवर रोड मारवाड़ जंक्शन में
एकत्रित हुए थे पिछले 18 तारीख को, और उस समय भी जो है उन्होंने सबने मिलकर के जो है इसके लिए उदयपुर के नंद किशोर जी जोशी जो एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट करने वाले, उसके लिए कम से कम 10,000 जो निवेशक है उनकी जो है कि एकदम मिनिमम 10,000 निवेशक होने चाहिए। तो मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जितने भी जो निवेशक हैं उन्होंने सब ने अपना अपना फॉर्म भर करके जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोंदाबाग में ग्राम प्रधान पिंडारी से सर्वजीत कौर पत्नी गुरुचरण सिंह ने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एक थाली और गिलास वितरित किया। उन्होंने कहा कि हमसे इन 5 साल में या उससे बाद भी हो सकेगा इन गरीब बच्चों की सहायता के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने बताया कि जो पहले वादे किए उस पर भी इन लोगों ने काम किए हैं। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, ये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और हमारे नव निर्वाचित जो हमारे प्रधान जी बने हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे स्कूल में समय दिया और हमारे बच्चों के लिए इतना सोचा और यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत खुश हूँ हमारे प्रधान जी जो बने हैं अभी, ये बहुत मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि तब ये प्रधान नहीं थे जब इन्होंने मुझे ये वादा किया था कि मैं स्कूल के लिए बच्चों के लिए अपने ओर से जो है थालियाँ गिलास चम्मच प्लेट जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं सब उपस्थित होकर यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा, और वो आज उन्होंने वादा पूरा किया है। और क्या कहते हैं निस्वार्थ कुछ समस्याएँ थी जैसे थाली गिलास चम्मच की प्रॉब्लम थी वो ही समस्या हमने सुनी थी और उन बच्चों से बोला था कि भविष्य में हम किसी दिन बैठ के उनको उनकी समस्या देखेंगे सुनेंगे। आज हम थाली गिलास चम्मच लेकर उनके लिए उपस्थित हो रहे हैं, आराम से अपना भोजन कर सकें, आगे भी भविष्य में हम उनके हाथ खड़े हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत होगी स्कूल के लिए हम उनसे हम हाजिर हैं, उनकी सेवा करते रहेंगे समाज की और बच्चों की। लेकिन अब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मौका मिला है सेवा करने का बच्चों का, मैं पूरी तरह से मैं खुद भी निभाऊंगी, इसे जनता की भी सेवा करूंगी और बच्चों का भी, आगे से भी जो भी होगा मैं बच्चों के लिए करूंगी। लेकिन मेरा बचपन से एक सपना था कि कभी लाइफ में मुझे मौका मिलेगा तो मैं बच्चों की देखभाल करूँगी और अच्छी तरह से पूरा इनका करूँगी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं इनको बेखूबी निभाऊँगी बच्चों के लिए। थाली गिलास चम्मच मैं तो उपस्थित हुई हूँ और आगे भी कोई भी जरूरत होगी जो भी ऐसा होगा मैं निभाऊँगी उसे या सभी प्रोजेक्ट होगी इसके लिए। बाड़मेर जिले में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल पोकरासर की संगठन चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन लीलसर के जसनाथ आश्रम में किया गया, जिसमें नव नियुक्त बूथ अध्यक्ष का सम्मान समारोह किया गया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का दुपट्टा और मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई। बैठक का मूल उद्देश्य नए मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभी बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से समीक्षा और फीडबैक लेना और नव नियुक्त बूथ अध्यक्ष का सम्मान करने को लेकर था। बैठक के मुख्य मेहमान बीजेपी के जिला महामंत्री व पोकरासर मंडल के चुनाव प्रभारी बालाराम जी मूढ़ रहे। मुजफ्फरनगर के एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ ठगी और जान से मारने का मामला दर्ज किया गया है। ये लोग पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इन्होंने गाजियाबाद के एक शख्स को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित व्यक्ति के मुंशी की आंखों में धूल झोंककर 2,10,00,000 रुपए लेकर फरार हुए थे। वहीं पीड़ित ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आपका नाम? विपुल त्यागी मेरा नाम है। पूरा मामला बताओ क्या है? गाजियाबाद का मैं निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मोरंग खदान का एक पट्टा मैंने 30 अक्टूबर को सरकार से अनुबंध किया था, जिसमें सहयोगी के रूप में मोनिका पत्नी विकास बाल्यान, शौकीन आलम और रॉबिन कुमार को पट्टे पर रखा गया था। पट्टे का देख रेख वो लोग कर रहे थे, वहाँ का काम वाम देख रहे थे। मेरी तरफ से मेरा मुंशी अमरदीप त्यागी, मेरी खदान का मैनेजर दीपक त्यागी और एक सुपरवाइजर चंदन झा, ये खदान का रख रखाव उनके साथ में उनका सहयोग करते थे। खदान चलाने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जो किस्त का पैसा जमा होता था
वो मोनिका, रोबिन और शौकीन अपने पास रखते थे, क्योंकि मेरे कर्मचारी खदान पर ही रहते थे और खदान बांदा शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। ये लोग खदान का पैसा लगातार इकट्ठा करते रहे। जब जनवरी की पहली किस्त हमारी, दूसरी किस्त हमारी जानी थी, उस वक्त मेरे कैशियर ने इनसे कहा कि हमारी किस्त जमा होनी है भैया, आपके पास पैसे जमा हो रहे हैं, आप उस पैसे को बैंक में जमा करवा दीजिए ताकि खदान सुचारू रूप से चलती रहे। उसमें टाला मटोल करते रहे। 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो अमरदीप, दीपक और चंदन के पास खदान पर ही रखा हुआ था। 20 जनवरी के दिन विकास, मोनिका, शौकीन और रविन बाल्यान, नफीस, जो कि ये सभी लोग मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, ये खदान पर आए और मेरे कैशियर से और मेरे मैनेजर से बोले कि 15 से 20 तारीख तक का जितना भी आपके पास पैसा है वो आप हमको दे दो। उन्होंने बताया कि भैया 30 लाख रुपए हमारे पास हैं और लगभग 1,80,00,000 रुपए आप लोग ले जा चुके हैं बांदा अपने आवास पर, और इसको हमें किस्त जमा करनी है नहीं तो हमारी खदान बंद हो जाएगी। इतना कहने पर विकास बाल्यान, जो कि मोनिका के पति हैं, वो तैश में आ गए और अपने अपने से एक असला निकाल के उन्होंने अमरदीप की कनपट्टी पे लगा दिया कि जान से मार दूंगा, मुझे ये सारे के सारे पैसे दो, जब शुरू से हम रख रहे हैं तो ये वाले पैसे भी हम रखेंगे। इस पर उन लोगों को शक हुआ, दीपक को, चंदन को, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैंने उनको समझाया कि जब पैसा जमा नहीं होगा तो खदान कैसे चलेगी। तो मेरे साथ भी उन्होंने गाली गलौज करके, धमकी दे के सारा पैसा वो वहाँ से ले गए ज़बरदस्ती और भाग गए। उसके बाद मैंने 2 महीने लगातार उनसे प्रयास किया पैसे के लिए, हर बार मेरी तरफ से प्यार से बात होती थी कि भैया पैसा जमा नहीं होगा, मुझे भारी घाटा हो जाएगा, मुझे भारी लॉस होगा इसमें, लेकिन उन्होंने पैसा वापस ना करते हुए मुझे और मेरे बीवी बच्चों को जान से मारने की लगातार मुझे धमकी देते रहे। इन लोगों ने मिलकर कितने पैसे की ठगी की है? इन्होंने 2,10,00,000 रुपये से ऊपर मुझसे लूट लिए वहाँ से, 1,80,00,000 रुपये इनके पास जमा थे और 30 लाख रुपये ये मेरे वहाँ से असला दिखाकर छीन कर ले गए थे जान से मारने की। सभी लोग मुजफ्फरनगर जिले में? सभी लोग मुजफ्फरनगर जिले के निवासी हैं, आपस में मिले हुए हैं, पहले भी मेरी जानकारी में आया मुजफ्फरनगर कुछ मेरे परिचित हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी ये अपराधी किस्म के लोग रहे हैं, जेल जा चुके हैं, संगीन धाराओं में जेल जा चुके हैं।